अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजुरी पंचायत के पटकेश्वर गांव में प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय बहुत दिनों से चल रहा है, मगर आज तक ये विद्यालय उत्क्रमित नहीं हुआ, जबकि पंचायत समिति अपने योजना में लेकर के प्रमुख द्वारा पास करवा करके इसे उत्क्रमण करवा सकते हैं। जबकि सरकारी प्रावधान है कि बच्चे के अनुपात के अनुसार प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कराया जाता है। उत्क्रमित विद्यालय न होने के कारण खासकर के यहाँ के बच्चे और बच्चियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कितना क्लास में हो आप? पांचवा। तो इस साल कितने क्लास में जाओगे, अगले क्लास में? छठा। तो छठा का जो स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, वो कहाँ है आप लोग का? यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? वो स्कूल काफी दूर है। सरकारी प्रावधान क्या है जिससे प्राथमिक विद्यालय जो है से मिडिल स्कूल में बदला जा सके, उत्क्रमित किया जा सके? इसके लिए मुख्य रूप से पंचायत सचिव का दायित्व ज़्यादा रहता है, वो अपने बैठक में प्रस्ताव को डालेंगे तो इसमें उत्क्रमित का प्रोसेस में आ जाएगा। तो कितने बच्चे के ऊपर वो उत्क्रमित की होता है विद्यालय? लगभग मापदंड के आधार पे 150 बच्चे होना चाहिए उत्क्रमित मिडिल स्कूल के लिए। तो 11 साल से आप हैं, और बच्चे की संख्या कब से जो है से हो गई है 300 के आसपास में? लगभग जब से हम हैं तब से ही तकरीबन ये 300 के आसपास में ही रहती है नामांकन। तो क्या वजह रही कि अभी तक, जबकि 150 बच्चे पे ही विद्यालय उत्क्रमित हो जाता है, और आज तक आपका विद्यालय उत्क्रमित न होने का असली कारण क्या रहा है? असल कारण ये है कि यहाँ के लोग, कुछ ग्रामीण जनता और ये पंचायत समिति लोग यहाँ के लिए प्रयास नहीं किए। जबकि मैंने कई बार पंचायत सचिव को बोला कि हमारे यहाँ बच्चों की उपस्थिति अच्छी है और नामांकन भी अच्छी है, विद्यालय का मापदंड उत्क्रमित के लिए सही है, इसलिए आप इसके लिए प्रयास कीजिए, लेकिन अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया, जिसके कारण उत्क्रमित अभी तक नहीं हो पाया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रखंड प्रमुख नीलम देवी के मोबाइल नंबर 9965281961 के तौर पर दबाव बनाएं ताकि ये विद्यालय उत्क्रमित होकर के 128 का हो जाए। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम तक के सर, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।